कि अगर इसकी आंखें को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी आंखें इसको दे दूंगा। That's what my dad said to me. So ये है उनका सपोर्ट। I modified everything in me, everything, head to toe, eyes, ears, nose, tongue, teeth, skin, including private parts. I modified everything and everywhere. रोकने वाले दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे, पुश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। घर पे आई यूज टू प्रैक्टिस कि इफ आई गेट ब्लाइंड लेटर सो खाना कैसे खाना है और कपड़े कैसे पहनने हैं, शावर कैसे लेना, क्योंकि मैं लाइट नहीं देख पाता था। आई यूज टू बर्न एंड द वाटर यूज टू कम आउट 24 आवर्स। So I stayed in this very dark room, my bedroom, for 115 days. नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जब आप कुछ अविश्वसनीय करते हैं या फिर अकल्पनीय करते हैं तो उसका मतलब होता है दुनिया में सबसे अलग। जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही अंदाज में आपको एक स्टोरी जो है वो पता चलने वाली है। एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने काफ़ी ही अलग या काफ़ी रोचक तरीके से अपने आप को इस दुनिया में संजोया है, तो उनसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यही चाहूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो जिनकी बात हम कर रहे थे अभी उनसे मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है, आप ये बताइए कि टैटू का इतना ज़्यादा क्रेज़ आप में कब आया? हमेशा से ही था। मैंने जब मैं सेकंड थर्ड क्लास में था तब मैं टीवी पे देखता था, लोगों के होते थे छोटे छोटे इधर उधर, आई यूज़ टू वंडर कि कैसे है और परमानेंट है। जब मैं एट्थ में था तब मैंने फर्स्ट टैटू कराया अपने। उसके बाद फिर जब मैं इलेवेंथ में था तो फिर ड्राइंग और आर्ट्स में हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर इलेवेंथ में था तो मैंने टैटू बनाना शुरू करा। बनाने का भी पैशन था और है, रहेगा भी, और बनवाने का भी सिमिलर है, तो इसीलिए जितना मैं टैटू करता था उतना अपने ऊपर बनवाता भी था। मैं टैटू इलेवेंथ क्लास से बना रहा हूँ, मेरा टैटू स्टूडियो है, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले ट्रायल आपने किस पे किया, खुद पे किया या किसी और पे? फर्स्ट टैटू जो मैंने अपने हाथों से बनाया था वो मैंने अपने ऊपर ही बनाया था। हाँ, अपने ऊपर मैंने यहाँ नी पे बनाया था, तो वो हमने बाद में थोड़ा बहुत कवर अप कर लिया। अब उसके बाद मैंने एक, मेरा स्कूल टाइम पे बेस्ट फ्रेंड होता था तो उसके करा मैंने, फिर अच्छा आया, तो धीरे धीरे फिर ऐसे आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। उस टाइम देयर वाज नो वन हु वुड ट्रेन, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई शार्पन माय स्किल्स, आई एम स्टिल लर्निंग, ऑलवेज विल, आई मीन Even till death will. अच्छा, आपने खुद के नी पे बनाया, वो तो चलता है। आप घर में आए होंगे तो किसी ने कुछ डांटा आपको या कुछ कहा, या फिर जो आपका दोस्त था उसको कुछ कहा किसी ने? जब अपने बनाया उससे पहले ना मैंने किसी से पूछा, आई जस्ट डिड इट, है ना, और जो फ्रेंड के भी करा, वी जस्ट डिड इट एंड मतलब दैट्स इट। अच्छा, ये बताइए आपने जैसा बताया कि मैं 16 इयर्स जब आप थे उस टाइम पे आपने पहला टैटू क्रिएट किया, right. तो उस टाइम पे जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको कोई रोकता था या फिर टीचर्स डांटते थे आपको इस बारे में? स्कूल में एक्चुअली नेक पे था वो, कॉलर में छुप जाता था, लेकिन तब भी पता होता था स्कूल में टीचर्स को इधर उधर, तो उस टाइम काफी ऑब्जेक्ट करते थे, डांटते भी थे, मारते भी थे। उस टाइम पे चलता था तो हाथ उठा देते थे, तो लेकिन प्रिंसिपल भी बहुत स्कोल्ड करती थी, फिर भी मेरे को जो करना था मैं वही करता रहा, मैं कभी नहीं रोका किसी के रोकने पे, मैं कभी भी नहीं रोका। तो अभी वो टीचर्स आपके लिंक्स में है या फिर आपके प्रिंसिपल लिंक्स में है जो आपको कुछ भी कहती हूँ इस टाइम पर? कुछ है स्कूल के जो ऑनलाइन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर उधर मेरे को दे फॉलो, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, दे रियली अप्रिशिएट। अच्छा, ये बताइए आपने बताया कि स्कूल में मतलब मुझे प्रिंसिपल स्कोल्ड करते थे, साथ में थोड़े टीचर्स भी करते थे, आपका फ्रेंड सर्कल कितना सपोर्ट करता था? फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था स्कूल टाइम में, तो वो काफी सपोर्ट करते थे, मतलब दे न्यू, मेरे से ज्यादा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता था कि तू कर लेगा। हाँ, तो सपोर्ट बेस्ट फ्रेंड का बहुत रहा उस टाइम पे। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट टैटू किट अपने बेस्ट फ्रेंड के पैसों से खरीदा था। तो ये बताइए आपने मतलब टैटू स्टार्ट किया, इससे पहले किसी और चीज में इंटरेस्ट रहा था आप? नहीं, हमेशा से टैटूज में ही रहा मेरा इंटरेस्ट, एक्चुअली आर्ट में, बॉडी मॉडिफिकेशन में, क्रिएशन में, इसमें ही आर्ट में ही रहा मेरा इंटरेस्ट हमेशा से। मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका किसी भी चीज़ के लिए, मुझे जो करना था मैंने, कभी कभी मैंने पूछा ही नहीं बस कर दिया, कभी कभी शेयर भी कर लिया कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर भी ना कभी ऑब्जेक्ट करा, ना उन्होंने कभी मुझे ऐसा रोका या ऐसा कोई बाउंडेशन कभी नहीं लगाई उन्होंने। मेरे आर्टिस्ट हैं चंडीगढ़ में, ऋषभ इमॉर्टल टैटूज पे, तो मैं एक्चुअली उनसे एक दिन हेड पे टैटू करा रहा था इधर, तो उस दिन हमने ऑनलाइन एक बंदे की यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसकी ब्लू आइज थी, तो मैंने उसको बोला ऋषभ को कि मैं
मैं तो कभी ना कर रहा हूँ अपनी आंखें। और वो कहता अगर पूरे इंडिया में कोई है ना जो कर सकता है तो वो आप हो। और उसके 2 साल बाद मैंने अपनी आंखें ब्लैक करा ली। अच्छा, तो आपने ब्लू की जगह ब्लैक करा ली? ब्लैक क्योंकि मेरे ब्लैक वर्क स्टाइल में दातूस था, तो मैंने सोचा कि इट विल मैच विद द पैकेज, तो फिर मैंने वो करा ली। तो एक्चुअली प्लान नहीं था, डिजायर हमेशा से थी कुछ बड़ा, कुछ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट बिग थिंग आई कैन डू। तो इसीलिए टैटूज भी करवाता गया। तो फिर जब हमने बॉडी सूट का डिसाइड करा, ऋषभ ने और मैंने, कि हम फुल बॉडी सूट करते हैं, वो भी इंडिया में किसी ने नहीं करा था मेरे से पहले, वो शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने डिसाइड करा कि अब मैं आइस करता हूँ, आंखें में हुई पियर्सिंग्स, तब मेरी बहुत थी बॉडी मॉडिफिकेशन। और आइस कराने के फर्स्ट बॉडी और मॉडिफिकेशन मेरी आइस के थी, उसके बाद मैंने बाकी सब करी, चाहे वो ईयर क्रॉपिंग हो या टंग स्प्लिट हो और टीथ मॉडिफिकेशन हो, स्कल सर्जरी मैंने कराई यहाँ पे, इम्प्लांट्स वो मैंने लास्ट ईयर कराया मैंने। टू जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, इफ आई डिसाइडेड ऑर नॉट, आई नेवर डिसाइडेड एनीथिंग, इट्स जस्ट कि स्टेप बाय स्टेप आई कैप्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड देन जब मैं फर्स्ट इंडियन बना तो उसके बाद आई थॉट कि आई एम फर्स्ट इन इंडिया, बट व्हाट नेक्स्ट बिग थिंग आई कैन डू सो दैट आई बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उस टाइम मेरे पास आंसर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आई रियलाइज एंड आई कनेक्टेड द डॉट्स कि आई एम लाइक फुली मॉडिफाइड। और मैंने आई मॉडिफाइड एवरीथिंग इन मी, एवरीथिंग, हेड टू टो, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, टीथ, स्किन, इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट्स, आई मॉडिफाइड एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। ओके, सो आई रियलाइज दैट। और मैंने वर्कआउट मैं करता था, मैंने वर्कआउट करना इसलिए शुरू करा था कि मेरी बॉडी अगर हेल्दी होगी तो और पेन झेल पाऊंगा, लंबे दातू सेशन करा पाऊंगा, इसीलिए मैंने हेल्थ का ध्यान देना शुरू करा था। उसमें भी वर्कआउट में भी इंटरेस्ट जागता ही रहा, बढ़ता रहा धीरे धीरे। देन आई डिसाइडेड कि आई कीप फॉलोइंग माय वर्कआउट एंड आई कीप गेटिंग माय टैटू सो दैट इट गोज ऑल टुगेदर। तो इवेंचुअली आई डिसाइड, इट जस्ट केम टू माई माइंड कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, आई कैन बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली मॉडिफाइड एथलीट एंड बॉडी बिल्डर, बिकॉज बिफोर मी देर वॉज नो बॉडी बिल्डर और एथलीट ऑन द प्लानट हु इज़ फुली मॉडिफाइड। एथलीट और बॉडी बिल्डर्स बहुत हैं जिनके टैटूज होंगे, कुछ ना कुछ होगा, सिंगल पर्सन हु इज़ फुली मॉडिफाइड, हु इज़ एन एथलीट एंड बॉडी बिल्डर इज ओनली मी। सो व्हेन आई डिसाइडेड कि आई गेट माई आईज इंक्ड ऑल ब्लैक, बिफोर taking that decision I took some time, for a few months I contemplated, I thought ki if I should go for that or not, maine uske plus or minus mind mein soche, usme ek minus ye tha ki bahut extreme look hogi, to I thought ki maybe nobody would want to get work done from me, if I lose my vision I might become burden on my parents, I might go bankrupt, the world might start hating me, I thought that, and yeah. I thought ki I could lose my career, I could lose everything if I cannot see. I work from my eyes, right? If I lose my one arm, I can train my another arm. Yeah. But if I lose my eyes, I cannot make tattoos, right? तो ये सब चीज़ें मैंने सोची, ये सब थे माइनस, लेकिन इनके सामने जो बस एक रीज़न था कि क्यों, why I should do it, that was because I just wanted this, just for me. जब मेरे को realize हुआ कि ये मुझे अपने लिए करना है, दुनिया appreciate करे या hate करे, I let it be. घर पर आई यूज टू प्रैक्टिस कि इफ आई गेट ब्लाइंड लेटर, सो खाना कैसे खाना है और कपड़े कैसे पहनने हैं, शॉवर कैसे लेना, आई यूज टू प्रैक्टिस फॉर 3 months आई डिड दैट। उसके बाद फिर आई गॉट माई आईज डन, उसके बाद आईज कराने के बाद आई कि नाउ आई हैव टू स्टे इन डार्क रूम, क्योंकि मैं लाइट नहीं देख पाता था, आई यूज टू बर्न एंड द वाटर यूज टू कम आउट 24 hours, सो आई स्टेड इन दिस वेरी डार्क रूम, माई बेडरूम, फॉर 115 days इन डार्क। तो उसके बाद धीरे धीरे, बिकॉज जब फ्रेशली डन थी तो सेंसिटिव भी थी और इतनी स्वेलिंग थी कि दे यूज टू कम आउट ऑफ माई आईलिड्स, तो दे वर लाइक बग आईज, सो इवेंचुअली द स्वेलिंग वेंट डाउन एंड इट ऑल हील्ड आफ्टर 3.5 months एंड देन इट वॉज फाइन। कि अगर इसकी आंखें कुछ हो गया ना तो मैं अपनी आंखें इसको दे दूंगा, दैट्स व्हाट माई डैड सेड टू मी। तो ये है उनका सपोर्ट। न्यूयॉर्क से वापस आया तब देखा मम्मी ने, तो व्हेन शी सॉ she couldn't understand what it was, because obviously she is my mom, she has seen me from day one when I was this small, and she has seen me grow, she has seen me change many things in me, so she saw that also. So for a few days she couldn't understand what that is, but eventually it all settled, she absorbed and then she understood and then she appreciated also. Rokne wale duniya mein bahut sare milenge, push karne wale bahut kam milenge. मैम, सबसे पहला आपसे यही क्वेश्चन है कि जब आपने करण जी को फर्स्ट टाइम टैटू पे देखा, उस टाइम पर आपका क्या रिएक्शन था? When he had his eyes tattooed, well, actually when he went, you know, I had no idea he was going to get his eyes done. But when he came, he looked very different. Yeah, he was a bit scary because his eyes, they shine like anything. You know, like a big diamond, you know, in the eyes. So the eyes shine like anything. For a few days, it did go on my mind, you know, how he must be feeling internally, and he had all that, you know, power to go ahead with his idea, because it's
a very big experience and a difficult one also, because it concerns the risk of your life. And the way it was done, you know, it's also very painful. So in that way, you know, he's blessed. He's got a lot of endurance power. Actually, what was the experience was about your neighbor and your relatives? I think they were also very excited about him. They're always very excited when they see, you know, my son, and they see him all that. They are inspired by him, but nobody's got the courage to do what he's done. So, ye dekh rahe the aap Karan ji ki inspiring story. Ye bahuton ke liye kafi alag bhi hogi aur bahut ke liye kafi interesting bhi hogi. Aur kuch ke liye isme thoda sa yakin karna bhi mushkil hoga. Lekin jo bhi aap logo ka feedback hai, wo comment mein zarur batayega. Aur Karan ji ke liye aap kuch bhi appreciation देना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं. साथ ही में आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर करिएगा. साथ ही मेरे साथ बने के लिए आपका बेहद शुक्रिया. मैं रिया, कैमरा पर्सन राधा के साथ झलको दिल्ली.